बर्नार्डो, जोआना और इवाना एक दूसरे के सगे भाई बहन होने के बावजूद कभी एक दूसरे से बात नहीं करते और ना ही उनका अपने पिता के साथ रिश्ता ठीक है। मगर एक खबर ने उन सब की जिंदगी बदल दी और उन तीनों ने अपने पिता की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला कर लिया। इटली के फ्लोरेंस शहर में रहने वाला बर्नार्डो जिस प्लेन में सफर कर रहा था वो प्लेन तूफान के बीच फंसने लगा और बर्नार्डो इतना डर गया कि वो कॉकपिट में जाकर पायलट से कहने लगा कि उन्हें किसी भी तरह प्लेन को क्रैश होने से रोकना होगा और वो उस प्लेन को पीछे नहीं मोड़ सकते। प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों पायलट्स ने बर्नार्डो को शांत करने के लिए उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया और बर्नार्डो ने उन्हें अपने पिता अर्नाल्डो के बारे में बताया जो एक प्रोफेसर है। एक दिन कॉलेज में लेक्चर लेते वक्त अर्नाल्डो की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इस बात की खबर बर्नार्डो के साथ साथ उसकी दो बहनों को दी गई जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी। वो तीनों ही अपने पिता का कॉल रिसीव नहीं करना चाहते थे क्योंकि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि अर्नाल्डो हॉस्पिटल में है वो लोग वहाँ पहुँच गए। बर्नार्डो ये जानकर हैरान हो गया कि उसके पिता की मौत हो गई है, पर फिर उसे बताया गया कि सामने पड़ी लाश सर्कस में काम कर रहे आदमी की है और अर्नाल्डो अब भी जिंदा है। सालों बाद अर्नाल्डो और उसके तीनों बच्चे एक दूसरे के सामने आए और कोई भी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं था। बर्नार्डो और उसकी बहनों को हेड डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसे पता चला कि अर्नाल्डो ने अपनी बीमारी के बारे में उन तीनों को कभी कुछ नहीं बताया था। इतना ही नहीं, 5 सालों से उन तीनों ने ना तो एक दूसरे को और ना ही अपने पिता को देखा है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पिता बीमारी और तीसरे हार्ट अटैक की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खोने लगे हैं और अब उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आता है। वो तीनों ये भी नहीं जानते थे कि अर्नाल्डो को इससे पहले कभी हार्ट अटैक आया था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि उनमें से किसी एक को अर्नाल्डो को अपने घर ले जाना चाहिए क्योंकि उसके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। पर वो तीनों ही ये जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी निजी जिंदगी और अपने काम की फिक्र थी। उन्होंने अपने पिता से अलविदा कहकर वहाँ से निकलने का फैसला किया, पर जब अर्नाल्डो होश में आया तो इमोशनल होकर कहने लगा कि उन तीनों को साथ देखने के बाद अब उसे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। उन सब की अपनी जिंदगी है इसलिए उन्हें अर्नाल्डो की जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं। कुछ प्यारी बातें कहने के बाद अर्नाल्डो ने उन्हें गाली देकर दफा होने के लिए कह दिया और तब उन तीनों को ना चाहते हुए भी एक फैसला लेना पड़ा। फैसले के मुताबिक वो तीनों बारी बारी अर्नाल्डो को अपने घर में रखेंगे और सबसे पहले बर्नार्डो की बारी आई। बर्नार्डो से बातें करते हुए अर्नाल्डो ने कहा कि अगर वो बर्नार्डो की जगह होता तो उसे हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ देता। बर्नार्डो ने बताया कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि चाहे उनका रिश्ता ठीक ना हो पर अर्नाल्डो में कई अच्छी क्वालिटीज है, इसलिए वो एक अच्छा पिता है। मगर जब अर्नाल्डो ने उसे एक अच्छी क्वालिटी बताने के लिए कहा तो बर्नार्डो इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। बातें इमोशनल होने लगी क्योंकि बर्नार्डो वो हर दिन गिनाने लगा जब वो चाहता था कि उसके पिता उसके पास रहे और अर्नाल्डो कभी उसके या उसकी बहनों के पास नहीं था। अर्नाल्डो ने बताया कि वो सिर्फ एक वादा पूरा करना चाहता है। वो वादा था अपने बच्चों के साथ पेरिस जाने का वादा। इवाना ये जानकर हैरान हो गई कि अर्नाल्डो से कुछ देर बात करने के बाद बर्नार्डो को उसके लिए बुरा लगने लगा है और वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसके पिता को अपने बच्चों के बचपन को बर्बाद करने का पछतावा है या नहीं। इवाना और बर्नार्डो की बातें सुनकर वहाँ अनीना नाम की एक लड़की आ गई जो पड़ोस में रहती है। वो कहने लगी कि उन्हें अर्नाल्डो को पेरिस ले जाना चाहिए वरना वो पूरी जिंदगी पेरिस ना जाने के पछतावे में जीते रहेंगे। इस बात ने बर्नार्डो को सोच में डाल दिया और वो कुछ ही दिनों बाद इवाना के साथ अर्नाल्डो को पेरिस ले जाने की तैयारी करने लगा। उन दोनों ने एक वैन का इंतजाम किया और जोआना को भी साथ चलने के लिए कह दिया जो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो सब बीमार अर्नाल्डो को इतने लंबे सफर पर कैसे ले जा सकते हैं। बर्नार्डो अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था पर जोआना जानती थी कि अर्नाल्डो किसी भी सफर की हालत में है ही नहीं, इसलिए उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल जाना चाहिए, किसी दूसरे देश नहीं। बर्नार्डो अब ये सोचने लगा कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें पेरिस जाने की जरूरत ना पड़े फिर भी वो पेरिस पहुंच जाए। और तब वो इवाना के साथ अपने ही फार्म हाउस के पास गाड़ी घुमाने लगा जिससे अर्नाल्डो को ये लगे कि वो लोग सचमुच पेरिस की ओर बढ़ रहे हैं। उसने जोआना से कहा कि वो लोग एक नकली ट्रिप का दिखावा करेंगे और उनका ये ट्रिप देखकर अनजान लोग भी हैरान होने लगे। ये सब कुछ इतना अजीब था कि जोआना अपने भाई बहन को पागल समझने लगी, पर अर्नाल्डो को सच में लग रहा था कि वो लोग पेरिस की ओर जा रहे हैं।
प्लेन में मौजूद पायलट्स और एयर होस्टेस को भी ये नकली ट्रिप मजेदार लगने लगी। पर बर्नार्डो ने बताया कि ये नकली सफर इतना आसान भी नहीं था। सफर शुरू करते ही अचानक अर्नाल्डो जिद करने लगा कि उसे बोलोनिया शहर में मौजूद वो जगह देखनी है जहां वो अपनी पत्नी से मिला था और वो उस जगह की मशहूर चीजें खाना चाहता है। उसी वक्त पड़ोस में रहने वाला मासिमो उनकी इस हरकत से परेशान होने लगा। गाड़ी को उसी इलाके में रोक कर अर्नाल्डो को ये यकीन दिलाया गया कि वो लोग बोलोनिया में आ पहुँचे हैं। पर उसी वक्त अर्नाल्डो का सालों पुराना दोस्त उसके सामने आ गया और कंफ्यूजन बढ़ने लगी। अर्नाल्डो बार बार यही कह रहा था कि वो लोग बोलोनिया में हैं और उसके दोस्त को लगने लगा कि वो मजाक कर रहा है। बर्नार्डो उस आदमी को भगाने की कोशिश कर रहा था पर वो आदमी बहुत देर तक वहाँ से हटा नहीं। किसी तरह अपना राज छुपाकर वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हुए और कुछ देर बाद जोआना के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड निकी का कॉल आया जो उम्र में जोआना से काफी छोटा है। बर्नार्डो निकी की उम्र देखकर हैरान हो गया, इसलिए उसने कह दिया कि जोआना उससे प्यार करती ही नहीं और उसे अपनी उम्र की किसी लड़की को ढूंढना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अर्नाल्डो ने सबसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वो एक बुरा पिता है। उन तीनों ने जवाब में कह दिया कि हाँ वो बुरा पिता है और ये बात एयर होस्टेस को भी अच्छी नहीं लगी। पायलट समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनके बीच इतनी कड़वाहट पैदा हो गई और तब उसने 5 साल पहले की वो बात बताई जब वो सब साथ रहते थे और उनकी माँ जिंदा थी। वो पूरा परिवार खुश था जबकि अर्नाल्डो कभी उनके पास नहीं रहता था। वो सब एक दूसरे के मोबाइल फोन्स देख रहे थे और अपनी माँ का फोन देखने पर जोआना ने अपनी मौसी का एक मैसेज पढ़ा और कुछ ही देर बाद बर्नार्डो को पता चला कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई है। उसी दिन के बाद सब कुछ बदल गया और 5 साल बाद बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए इस नकली ट्रिप को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वो एक ही जगह गाड़ी चला चला कर लोगों को परेशान कर रहे थे। पुलिस को अपने हालात और अपना प्लान समझाकर बर्नार्डो और इवाना किसी तरह मुसीबत में पड़ने से बच गए और दूसरी ओर अर्नाल्डो का डॉक्टर यही सोचता रहा कि अर्नाल्डो को अब तक हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं किया गया। बर्नार्डो के फार्म हाउस से कुछ दूर इवाना ने एक नकली पहाड़ बनवाया था ताकि अर्नाल्डो को लगे कि वो फ्रांस के आसपास ही है और अर्नाल्डो की कमजोर नजर की वजह से वो उसे इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब हुई। मासिमो और उसकी माँ ये सब कुछ देख रहे थे और वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। नकली पहाड़ों के पास एक तस्वीर लेने के बाद अर्नाल्डो ने कहा कि वो कुछ देर के लिए वही रहना चाहता है। अर्नाल्डो कनुस्त्राची। और तब अचानक अर्नाल्डो को अपने स्कूल टीचर की आवाज आई। वो एक बार के लिए डर गया पर उसे समझ आ गया कि बर्नार्डो उसके साथ मजाक कर रहा है। इस बीच निकी जोआना को ढूंढते हुए उसके इलाके में आ पहुंचा और जोआना के बजाय उसके सामने अनीना आ गई। उसने बताया कि जोआना अपने परिवार के साथ पेरिस गई है पर वो ये नहीं जानती थी कि निकी वो अकेला इंसान नहीं है जिसे इस ट्रिप के बारे में पता चलने वाला है। जिन पुलिस वालों ने बर्नार्डो और इवाना को रोका था उन्होंने एक रिपोर्टर को बता दिया कि कुछ लोग बिना पेरिस जाए पेरिस का सफर तय कर रहे हैं और ये अजीब सी बात सुनकर वो रिपोर्टर इस कहानी का पीछा करने लगी। दूसरी ओर जोआना से बातें करते हुए अर्नाल्डो ने उसे एहसास दिलाया कि वो अपने आप को दूसरों से नीचा समझती है इसलिए डर के मारे वो गलत फैसले ले लेती है और इन बातों की वजह से उन दोनों की कड़वाहट मिटने लगी। और फिर इवाना उस नकली बॉर्डर पर पहुंची जिस बॉर्डर को उसने अपने नाटक के लिए बनवाया था। इवाना के दोस्त इस एक्टिंग में इतना खो गए कि वो अजीबोगरीब बातें करने लगे और ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कि वो सचमुच फ्रेंच पुलिस वाले हो। उन्होंने सच में रिश्वत ले ली और ये देखकर मासिमो को लगा कि बर्नार्डो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है। उस रात बर्नार्डो के फार्म हाउस को एक फ्रेंच घर में बदला गया मगर जैसे ही उसे लगा कि माहौल शांत हो चुका है इवाना के दोस्तों ने प्रोजेक्टर के जरिए फ्रांस की एक मशहूर बिल्डिंग दिखानी शुरू कर दी। बर्नार्डो ने उन लोगों को समझाया कि वो बिल्डिंग सिर्फ दिन में नजर आती है और प्रोजेक्टर बंद करवा कर किसी तरह वो वापस अपने पिता के पास लौट आया। अचानक अर्नाल्डो कहने लगा कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है इसलिए वो क्रिसमस भी देख नहीं पाएगा। ये सुनकर उसके तीनों बच्चों ने क्रिसमस का माहौल बनाना शुरू किया और अपने पिता को वो खुशी दी जिसकी उसे जरूरत थी। उसी वक्त दो अनजान लड़कियां वहां मदद मांगते हुए आ पहुंची क्योंकि उनमें से एक को चोट लगी थी। उनकी मदद करते हुए बर्नार्डो को पता चला कि वो दोनों प्रोस्टिट्यूट्स हैं पर सच ये था कि वो दोनों इवाना के कहने पर वहां आई थी और उनमें से एक इवाना की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई और इवाना ने पहली बार अपने पिता को ये सच बताया कि वो लड़कों को नहीं लड़कियों को पसंद करती है। उसी रात बर्नार्डो और जोआना ने मासिमो की माँ की मूर्ति के साथ मजाक किया था और अगली सुबह ये मजाक देखकर
मासिमो की माँ बुरी तरह डर गई। जोआना को जब पता चला कि बर्नार्डो ने निकी को उससे दूर रहने के लिए कहा था तो वो उससे नाराज हो गई। वो इसी बात को लेकर बर्नार्डो से बहस करती रही, पर तभी दो अनजान लोग वहाँ आकर ये कहने लगे कि उन्होंने इस गाड़ी को टीवी पर देखा है और वो भी उन सब के साथ पेरिस जाना चाहते हैं। बर्नार्डो की ये कहानी अब पायलट्स के साथ साथ कंट्रोल टावर के लोग भी सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने भी टीवी पर ये खबर देखी थी। पुलिस के बताने पर रिपोर्टर ने अपने चैनल पर उस गाड़ी की कहानी दिखा दी, जिस कहानी में तीन लोग अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक नकली ट्रिप का इंतजाम कर रहे थे। पूरा इटली देश उनके इस नकली ट्रिप के बारे में जान गया और अब बर्नार्डो के लिए सच छुपाना नामुमकिन साबित होने लगा, क्योंकि मासिमो भी उन पर हमला करने लगा। जोआना को एहसास हुआ कि निकी ने कभी उसे बिना मेकअप के देखा नहीं था और बिना मेकअप के निकी उसे एक बूढ़ी औरत समझने लगा। अनीना ने इस मौके का फायदा उठाकर निकी को अपने पास बुलाने की कोशिश की, पर इससे ज्यादा बड़ी परेशानी बर्नार्डो की गाड़ी के सामने आ रही थी। पुलिस को लेकर अर्नाल्डो का डॉक्टर उनके सामने आ पहुंचा, क्योंकि वो अर्नाल्डो की जान को खतरे में डाल रहे थे। जब इवाना को लगा कि उनका सच बाहर आने वाला है तो उसने बर्नार्डो को बता दिया कि उनकी माँ की मौत उस मैसेज की वजह से हुई थी जो 5 साल पहले उसने पढ़ा था। उस मैसेज में ये लिखा था कि बर्नार्डो अर्नाल्डो का बेटा है ही नहीं, वो अपनी माँ के एक अफेयर का नतीजा है और इस बारे में अपनी माँ से पूछना उसकी और जोआना की सबसे बड़ी गलती थी। अपने बारे में ये सच सुनकर बर्नार्डो पूरी तरह टूट गया, पर उसे सिर्फ ये जानना था कि अर्नाल्डो कैसा महसूस कर रहा है। अर्नाल्डो ने बताया कि हॉस्पिटल में वो मौत के करीब था, पर इस ट्रिप की वजह से उसे जिंदा होने का एहसास मिला है। वो हमेशा से जानता था कि बर्नार्डो उसका बेटा नहीं है, फिर भी वो उसे अपना बेटा मानता आया है और यही जानकर बर्नार्डो की खुशियां लौट आई। उस वक्त अर्नाल्डो हॉस्पिटल में जाने के लिए राजी हो गया, पर जोआना को पता चला कि पुलिस अब उन्हें रोकना नहीं चाहती और वो उस नकली आइफल टावर के पास जा सकते हैं जिसका इंतजाम इवाना ने किया है। वो खुशी खुशी गाड़ी आगे बढ़ाने लगी, पर उसे गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी, इसलिए उसने गाड़ी उस सेल टावर में क्रैश कर दी जिसे वो आइफल टावर बताने वाले थे। इस कहानी के पूरे होते ही बर्नार्डो की फ्लाइट भी पेरिस पहुंच गई और पायलट्स को पता चला कि बर्नार्डो अपनी बहनों के साथ अर्नाल्डो की अस्थियां बहाने पेरिस आया है। सच ये था कि अर्नाल्डो की नज़र कभी कमजोर हुई ही नहीं थी। वो इस नकली ट्रिप के बारे में सब कुछ जानता था, पर अपने परिवार को फिर से जोड़ने के लिए वो इस नाटक का हिस्सा बना और अंत में अपने परिवार को फिर से जोड़कर उसने खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।